बाद अब मुरादाबाद का युवा नशे की दलदल में समाता जा रहा है। युवाओं में नशे की लत के कारण ही जनपद में ये कारोबार खूब फल फूल रहा है। पुलिस की शक्ति के बाद अब नशे के कारोबारियों ने दवाओं से नशा करने का तरीका निकाल कर युवाओं को इसका आदि बनाया। सख्ती बरतते हुए उत्तर प्रदेश की जनपद मुरादाबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने यहां नशे का कारोबार करने वाले 3 आरोपियों को नशीली दवाओं के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक ये लोग शहर की पॉश कॉलोनी में नशे का कारोबार करते थे। इन लोगों के द्वारा युवाओं को अपना निशाना बनाया जाता था। पुलिस ने 3 ही आरोपियों को जेल भेज दिया। दरअसल मामला है जनपद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र का, जहां पर पॉश कॉलोनी में नशे के कारोबारी युवाओं को गांजा और नशीली दवाइयों को बेचकर मुनाफा कमाते थे और युवा पीढ़ी को नशे की लत लगा लेते थे। पुलिस को मिली सूचना के बाद 2 टीमें बनाकर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई, जिसमें पुलिस को अलग अलग जगह से 3 आरोपी हाथ लगे। पुलिस को आरोपियों के पास से चोरी की स्कूटी, 2.25 किलो गांजा और नशीली दवाइयां बरामद हुई। आरोपी चोरी के स्कूटी से ही नशे का कारोबार कर रहे थे। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया। पकड़े गए आरोपियों में 1 मेडिकल संचालक और 2 अन्य गिरफ्तार किए गए हैं। आपको बता दें कि पंजाब के बाद मुरादाबाद में नशे का कारोबार तेजी के साथ फल फूल रहा है। प्रशासन की शक्ति के बावजूद भी कोई भी लगाम नहीं लगा पा रहा। पुलिस के द्वारा शक्ति बरतने के बाद नशे का कारोबार करने वाले उन लोगों ने युवाओं तक नशा पहुंचाने का एक दूसरा तरीका निकाला, जिसमें कई दवाइयों के मिश्रण से ड्रग्स बनाया जाता है और उसे इस्तेमाल किया जाता है। चिकित्सकों की माने तो यह दवाइयां इतनी खतरनाक हैं कि इनके लगातार सेवन से व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है। ये पता चला है कि जो हमारी एक जॉइंट टीम थी, जिसके अंदर हमारी एक सब इंस्पेक्टर थे, साथ में जो बाकी सिपाही थे, उन लोगों ने एक जगह से एक आदमी को बरामद किया। वहाँ पे ये नशीली दवाइयाँ बेच रहा था और ये नशीली दवाइयाँ ये बेसिकली प्रोहिबिटेड ड्रग्स हैं, जो साइकोट्रॉपिक ड्रग्स कैटेगरी में आते हैं। और इनमें से जो बरामद जो हुई हैं चीज़ें, इसमें बुपाइन के हैं कुछ 18 इंजेक्शन, इसके बाद में कुछ डायलजैप के हैं, इसमें असौदी 27 इंजेक्शन बरामद हुए हैं, ट्रामाडोल की कुछ चीज़ें हैं और लगभग ये बाकी प्रेस नोट में चीज़ें कवर्ड हैं। इसके अलावा जो एक और जो हम लोगों ने कार्रवाई करी है, जो दूसरी टीम गठित करी थी, उसमें हमारे जो टीम है उन लोगों ने 2 व्यक्तियों को और गिरफ्तार किया है, जिनके वहाँ से ये एक्टिवा पे थे ये लोग, और ये चोरी की ही एक्टिवा थी। और जब वहाँ पे हम लोगों ने, जब हमारी टीम ने वहाँ पे इन लोगों की तलाश ली, तो वहाँ पे और पता चला कि इन लोगों के पास कोई 1 किलो 700 ग्राम के लगभग इनके पास में वहाँ से गांजा बरामद हुआ है। और ये जो चोरी की जो स्कूटी थी, जो एक्टिवा थी, ये पूरी इन्होंने पेंट कर रखी थी और ये चोरी हुई थी लगभग 7 नवंबर को चोरी हुई थी और ये वहाँ से एक्टिवा बरामद हुई है। ये जो मेडिसिन हैं, ये पता चला है यहाँ पे जो लोकल आगे पीछे जो मोहल्ले के लोग हैं, ये एक तो कभी कभार तो बताया जाता है कभी कभार बिना प्रिस्क्रिप्शन के ड्रग्स बेचा करते थे। और उसके अलावा जो हम लोगों को ये भी देखने में आता है कि जो हमारी सोसाइटी में कुछ जो ऐसा तबका है जो कभी कभार बिना जो नशीली पदार्थों के उसमें आ चुका, ग्रिप में आ चुका है, तो वो लोग हैं इसमें काफ़ी। जो नए लड़के, जो नई जनरेशन आ रही है, वो भी वहाँ इन दुकानों से, इन जगहों से, और ये बाहर जो ये बेचा करते थे वहाँ से भी काफ़ी चीज़ें बरामद हुई हैं, तो वहाँ से भी ये लिया करते थे।